आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो केवल भारतीय कृषि ही नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके UPTET, CET, SuperTET, DSSB के साथ साथ अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में जहाँ जहाँ पे GS पूछे जाते हैं वहाँ वहाँ पे भारतीय कृषि का जो योगदान होता है वो सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। इसलिए यदि आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके भारतीय कृषि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं भारतीय कृषि का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद देखिए भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत हमारा जो है वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। दूसरी बात, तथा भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो सबसे अहम हिस्सा है वो क्या है, हमारे देश की कृषि। माने कृषि एक ऐसा मूलभूत बिंदु है जो भारत को कृषि प्रधान देश के साथ साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी हमारी कृषि है। और एक बार ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको सभी चीज़ें कृषि संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी आपके भारतीय परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने इसमें सम्मिलित किया। अगर हम 2011 की जनगणना को देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार अभी भी लगभग देश में 55% जनसंख्या कृषि कार्य में जुड़ी हुई है या कृषि कार्य में संलग्न हुई है। तो इसीलिए अगर एक प्राथमिक क्रिया भी जिसके अंतर्गत खेती करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि को भी सम्मिलित किया गया, मैंने कृषि के अंतर्गत केवल कृषि नहीं आती, अगर कृषि के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा खेती करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं। वानिकी, ये सभी क्या आते हैं, कृषि के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, भारतीय कृषि के सबसे प्रमुख एक विशेषता ये है कि वो देश की लगभग आधी जनसंख्या का, मतलब लगभग 1/2 जनसंख्या या 50% जनसंख्या का अकेले भरण पोषण करती है। मानो जो भारतीय कृषि है वो हमारे देश की लगभग 50% जनसंख्या का अकेले भरण पोषण करती है। क्या करती है, लगभग अकेले 50% जनसंख्या का भरण पोषण करती है। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं, आप लिखते चलेगा सुनते चलेगा कोई बात नहीं। कृषि आधारित उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, जो कृषि हमारी होती है, जो देश की कृषि होती है, ये हमारे जो उद्योग होते हैं इनके लिए कच्चा माल रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करती है, जिनका राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आधार है या योगदान है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि नेशनल इनकम में इनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। लेकिन हमारे देश की जो कृषि है ये मुख्यतः मानसून पर आधारित है। अभी हम देखेंगे जितने प्रकार की कृषि का अध्ययन करेंगे वे सभी कृषि हमारे क्या है, मानसून पर आधारित है। इसलिए भारतीय कृषि को एक शब्दावली मानसून का जुआ शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा जाता है भारतीय कृषि क्या है, मानसून का जुआ है। और हम ये भी जानते हैं देश में मृदा, जलवायु, किसी पद्धति में अंतर होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खाद्य अखाद्य फसलों का उत्पादन होता है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित, पहला खरीफ, रबी और जायद के फसलों के रूप में है। तो इन्हीं फसलों को अलग अलग हम पहले सबसे पहले पढ़ते हैं। अब अगर हमें इन सभी को अगर पढ़ना हुआ तो चलिए देख लेते हैं, हम सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, खरीफ की फसल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, खरीफ की फसल पढ़ेंगे। हमें जानते हैं खरीफ की फसल ये जून से सितंबर माह में बोई जाती है। कब से, जून से लेकर सितंबर माह में बोई जाती है, मतलब इसके अंतर्गत फसलों को जून तथा जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर और अक्टूबर में काट लिया जाता है। ये वर्षा काल की फसल होती है, मतलब ये लाइन याद कर सकते हैं, ये जो फसल होती है वो किसकी फसल होती है, वर्षा काल की फसल होती है। किसकी फसल है, ये है वर्षा काल की फसल कही जाती है। कौन सी फसल, ये वर्षा काल की फसल कही जाती है। ठीक, अब खरीफ जो फसल होता है इसका उत्पादन दक्षिण पश्चिम मानसून के वर्षा का लाभ होता है। दक्षिण पश्चिम, अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करें तो जो ये मानसून होता है इसके वर्षा का लाभ में किस फसल मिलता है, खरीफ की फसल में मिलता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, चलिए। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता का आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है, जब ये जिस माह में जून जुलाई में बोई जाएगी तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। अगर राज्य की बात किया जाए या उत्तरी राज्य में बोई जाती है, अगर इन फसलों के बारे में बात की जाए निम्नलिखित में कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो उत्तर राज्य में
उत्तर राज्य की फसलें चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, ये तुर कहते हैं, गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ, ये उत्तरी राज्य जो हैं उनकी प्रमुख फसलें। लेकिन अगर हम दक्षिण राज्य के देखें, चावल, यहाँ भी चावल, यहाँ भी चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, ये ऊपर केवल चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, तरई, तूर, ये उत्तर भारत की फसलें हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली, माने ये दोनों फसलें ऐसी हैं जो क्या है आपकी खरीफ की फसलें हैं, और ये जून जुलाई में हो जाती है। ये उदाहरण पूछा जाता है इनके, कौन सी खरीफ की फसल है, आपके रीजनिंग में भी काम आएगी। चावल, चावल यहाँ भी है, मक्का यहाँ भी, मक्का यहाँ पे है, कपास, बाजरा, अरहर, ये उत्तर है, ये अच्छा राज्य, ये दोनों हो गए आपके। अब अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रबी की फसल। कौन सी फसल, रबी की फसल हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो रबी की फसल पढ़ते हैं, तो जो रबी की फसल होती है ये अक्टूबर तक नवंबर बोया जाता है, ये अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, ये फसल कब, अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है तथा अप्रैल मई में काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, या अप्रैल मई तक। ये शीतकाल की फसलें, मतलब ये फसलें उसमें शीतकाल होता है, हमारे देश में शीतकाल में ये फसलें शीतकाल में बोई जाती हैं। अच्छा, रबी की जो फसलें होती हैं इनका उत्पादन शीतकालीन में होता है, जो पश्चिमी विक्षोभ से होने के कारण वर्षा में सारी, जैसे पश्चिमी विक्षोभ भी हम लोग पढ़ेंगे, जो ठंडियों में वर्षा कराती है, तमिलनाडु में जिससे वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है। कौन सा विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है, कोई इसके लिए उपयोगी होती है। अच्छा, रबी की फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान, अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकने के लिए अधिक तापमान, क्या चाहिए, जब रबी फसल उगाते हैं उसमें कम तापमान चाहिए, ठंडी का मौसम होता है, पकने समय गर्मी होना चाहिए, अधिक तापमान होना चाहिए, और दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसकी प्रमुख फसलों की बात करें, अगर इनके प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो प्रमुख फसलें मिलती हैं, सबसे पहले गेहूँ, इनकी प्रमुख फसलों की अगर हम देखा जाए तो इनकी प्रमुख फसलें क्या हैं, गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ, ये कौन सी उत्तर राज्य की फसलें हैं। दक्षिण राज्य में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली, इस प्रकार कह सकते हैं, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, ये सभी आते हैं। जबकि खरीफ में एक बार हम देख लें जिसमें नहीं भी दिया है, धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, तंबाकू खरीफ की फसल, याद रखें तंबाकू जो है खरीफ की फसल, ठीक। आप नोट्स में लिखते चलिएगा, सुनते चलिए, लिखते चलिएगा आराम से। अब इसके बाद जो हम लोग को आगे पढ़ना है वो हमारा क्या है, जायद की फसल। ठीक, जायद क्या है, ये समांतर रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है और गर्मी की फसल है। इस प्रकार की फसलों को मार्च में बुआई कर जून तक काट लिया जाता है, माने मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक इसे काट ली जाती है। यह मुख्यतः ग्रीष्मकाल की फसलें होती हैं, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, मतलब ये पानी वाले फल कह सकते हैं, जैसे इसमें वनस्पतियों में सब्जियां, फल, चारा फसलें, चावल, सब्जियां, तो अगर इसमें देखा जाए खीरा, ककड़ी, खरबूज, करेला आदि ऐसी फसलें होती हैं। ठीक, ये क्या होती है, ये कई प्रकार की फसलें होती हैं। तो ये हमारी हो गई भारतीय कृषि की मानसून पे आधारित फसलें। ठीक, इसमें खरीफ की, रबी की और जात की तीनों फसलों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसी क्रम में हम लोग और आगे भी पढ़ेंगे। अगर अब आगे हम लोग पढ़ना है प्रमुख कृषि विधियाँ, देखिए यदि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि ये आपके परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगे, इनको भी हम लोग साथ में पढ़ते चलते हैं। अगर इनको भी अगर हम साथ में पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सामने अस्पष्ट होकर आएंगी। जैसे अगर देखें जीविका निर्वाह कृषि, क्या देखेंगे, जीविका निर्वाह कृषि, मतलब अगर देखा जाए तो यह छोटे आकार की जोतों पर आदिम कृषि औजार जैसे लकड़ी के हल, डाउन, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार समुदाय, मतलब हल्के चीज़ों की सहायता से ये फसलें उगाई जाती हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि, माने भूमि क्या होनी छोटी हो, अधिकतम उपज ली जाती है, मतलब भूमि कम हो, उपज अधिक ली जाए, और उपज का अधिकांश भाग, जो उपज का जो अधिकांश भाग प्राप्त होगा उसका प्रयोग क्या करते हैं, इसमें निर्वाह कृषि में जो उपज का हो वो परिवार के सदस्यों के लिए ही उसकी पूर्ति की जाती है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य जीवन को उपार्जन होता है।
इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा, प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है। इस प्रकार को जीवा निर्वाह कृषि कहते हैं। इसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इसे गहन कृषि भी कहा जाता है, याद रखिएगा, गहन कृषि जीवकोपार्जित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या इस कृषि पर निर्भर है, मतलब विश्व की लगभग 1/2% जनसंख्या या 50% जनसंख्या इसी कृषि पर ही निर्भर है। अब आते हैं हस्तांतरित कृषि की बात करते हैं। यह कृषि सबसे प्राचीन विधि है। अगर स्थानीय कृषि की बात किया जाए, ये सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है। इसे कर्तन, इसे क्या क्या नाम दिया, अगर इसे नाम अगर देखा जाए तो इसके जो है कई नाम आते हैं, जैसे कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन सॉरी थोड़ा सा कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली या पैड़ा पद्धति, या पैड़ा सॉरी पैड़ा पद्धति, पैड़ा पद्धति, पैड़ा पद्धति, पद्धति के नाम से जाना जाता है। पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है पहले बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको मोर डिफाइन करके समझा देते हैं। इस प्रकार की जो कृषि होती है, उसे फसलों को उगाने के लिए वन भूमि को साफ किया जाता है। कुछ वर्षों तक यहाँ फसलों को उगाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता कम होने पर जंगली घास को उगने के साथ साथ इसे भूभाग को छोड़ दिया जाता है तथा नए सा भूभाग को क्यों किसान चले जाते हैं, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कही जाती है। मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए इसे क्या स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक, कुछ वर्षों तक उस भूमि में कृषि करने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। परिणामस्वरूप कृषक क्या होते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और यही प्रक्रिया दोबारा दोहराते हैं। खेत को साफ करते हैं, जलाकर पुनः कृषि करना प्रारंभ करते हैं। मैंने यही प्रक्रिया, भूभाग को साफ किया जाता है, देख रहे हैं, भूभाग को साफ किया जाता है, फिर यहाँ फसलों को उगाया जाता है। और इस प्रकार जो कृषक समय समय पर कृषि करने के स्थान में परिवर्तन करता रहता है, कृषि की इस विधि से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। ठीक है, जैसे भारत के कुछ उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहते हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा में ये कृषि की जाती है और अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। अभी आगे इसके बारे में लोग पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसके बारे में अगर पढ़ना चाहें तो जैसे कुछ आपको हम नाम बता दें, कुछ इनके नाम पर अभी हमारे पास नहीं है तो चलिए हम आपको बताते चल रहे हैं ताकि आप इसके नोट्स में लिखते चलेंगे तो आपके लिए समस्याएँ थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन जगह बचा हुआ है, इसे हम व्हाइट बोर्ड के रूप में यूज कर लेते हैं। अब उत्तर पूर्वी राज्य, अगर हम उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्य में इसे झूम कृषि के नाम जानते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में कौन सी कृषि? झूम कृषि के नाम से जानते हैं, इसे झूम कृषि के नाम से जानते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ में देप्पा कौन सा नाम जानते हैं? देप्पा या दाहिया, दाहिया, दाहिया या बेवर के नाम से जाना जाता है। इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखते चलिएगा। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में पामाडा भी, उड़ीसा लिख लीजिएगा, उड़ीसा में, उड़ीसा में पामाडा भी कोमान, इसी में उड़ीसा में कोमान के नाम से जानते हैं, याद कर लीजिएगा, हम लोग तो याद कर लिए। विंगरा, विंगा, इसे उड़ीसा में इस नाम से जाना जाता है।
और अगर देखें राजस्थान में वालरे वालतरे, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, आंध्र प्रदेश अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें इसे पोंडू पोंडू या पेंडा, पोंडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। मेघालय में बोगमा, अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में इसे बोगमा बोगमा के नाम से जाना जाता है। पामुल मणिपुर, अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर 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 में पामुल, क्या नाम से, पामुल नाम से जाना जाता है। झारखंड में कुरुआ, ये पूछा क्वेश्चन, झारखंड कुरुआ, झारखंड में कुरुआ नाम से जाना, सॉरी कुरुआ, झारखंड में कुरुआ, झारखंड में झारखंड में झारखंड में झारखंड में कुरुआ कुरुआ झारखंड में कुरुआ नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी, अगर पश्चिमी घाट की बात किया जाए मैप में तो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में अगर हम लोग देखें तो इसे कुमारी के नाम से जानते हैं, कुमारी कुमारी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये आपके ऐसे प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ से इसे अलग अलग उपनामों से इसे जाना जाता है। अन्य भी अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या रहती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मतलब अगर आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी आपके मदद करेंगे और आप प्रयास करेंगे कि और चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग का क्लियर होता है। ठीक, कोई समस्या आपको, चलिए एक दो राज्य और हम लोग देख लेते हैं जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में, हिमालयी जो क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र में वहाँ पे इसे खिल कहते हैं, असल में किसी को क्या कहते हैं, खिल के नाम से जाना जाता है। तो बस एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, आप लोग सुनते चलिएगा, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में कहते हैं, बेवार मध्य प्रदेश में, दीपा बस्तर छत्तीसगढ़ अंडमान में, पोंडू आंध्र प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट, खिल हिमालय क्षेत्र, ओनम केरल, देखिए ओनम छूट गया था, ओनम ओनम है केरल में, केरल में ओनम, केरल में ओनम के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रमुख स्थानांतरित होने वाली कृषि। तो यहाँ से अगर आपको कोई डाउट हो या कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, आगे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बात है, अब आते हैं गहन कृषि की बात करते हैं, तो इस कृषि की बात करते हैं हम लोग, गहन कृषि की बात करते हैं। देखिए अगर गहन कृषि की हम लोग अगर बात करना चाहें, उसके बारे में जानना चाहें तो कि ये है गहन जीविका कृषि, यह कृषि की वह विधि है जिसमें छोटे छोटे भूभागों छोटे छोटे भूभागों अधिकतम मानवीय श्रम खाद उर्वरक सिंचाई का अधिकतम प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन किया जाए, गहन जीविका कृषि कहलाती है। देखो गहन जीविका कृषि को ही निर्वाह कृषि के भी नाम से जानते हैं, ये उपनाम है या उसकी एक तरह से कह सकते हैं उसकी दूसरी शाखा है। ठीक, अब जो अगला इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है विस्तृत कृषि। क्या नाम है इसका, विस्तृत कृषि। इस कृषि विधि में बड़े आकार वाले जोतों पर बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से क्या की जाती है, कृषि की जाती है। इसमें मानव श्रम कम लगता है किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। मानव श्रम जब कम लगेगा तो प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि हो जाती है। अच्छा, इस विधि को अपनाने हेतु पूंजी की भी पर्याप्त मात्रा की जरूरत पड़ती है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में इस विधि द्वारा कृषि की जाती है। भारत में हरित क्रांति के पश्चात पंजाब व हरियाणा पर विस्तृत कृषि को बल दिया गया, अर्थात जब बड़ी बड़ी जोतों पर मशीनों की सहायता से कम मानव श्रम द्वारा खेती की जाती है उसे हम विस्तृत कृषि कहते हैं। अब आता है आत्मनिर्वाह कृषि, आत्मनिर्वाह कृषि। इस कृषि में किसान उसका परिवार मिलकर केवल अपने स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है, ऐसे क्या कहते हैं, आत्मनिर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहां तक अगर कोई समस्या होता है,
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए वो आप लोग कहीं ना कहीं तो जानते भी होंगे सभी चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि आपने कहीं पढ़ा नहीं हो या कृषि बारे में किसी कृषि के बारे में जानते नहीं हो। ठीक, तो रोपण कृषि बड़े पैमाने पर एक ही फसल खेती जिसका संगठन औद्योगिक स्तर को रोपण कृषि कहलाती है। बड़े पैमाने पर एक ही फसल वो जो उसे क्या कहते हैं, रोपण फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपण फसल। अब आते हैं वाणिज्यिक कृषि। कौन सी? वाणिज्यिक कृषि। इसमें कृषि निवेश को लाभ में ध्यान, मतलब देख लीजिए वाणिज्यिक कृषि क्या है, इसमें कृषि निवेश लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग कर अत्यधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। उत्पादित फसलों को तथा पशुओं से प्राप्त उत्पाद यथा जैसे मांस, दूध आदि को बाजार में बेचा जाता है, अथवा समस्त उपज का जीवन निर्वाह हेतु उपभोग किया जाता है। ऐसी कृषि को वाणिज्य कृषि कहते हैं। और यह जो विधि है कृषि की, इसकी मांग अधिक है। इस कृषि के वाणिज्य कार स्तर बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब में चावल को वाणिज्यिक फसल है, उड़ीसा में जीविका फसल है। मैंने एक लाइन में अगर हम कहें, ऐसी कृषि जिसमें किसान फसल का उत्पादन मुख्यतः बेचने के लिए करता है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग शुष्क कृषि करते हैं। कौन सी कृषि? शुष्क कृषि। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जानने योग्य भी है। शुष्क कृषि क्षेत्र सिंचाई के बिना कृषि करने की तकनीकी है। यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 50 सेमी से कम या 75 सेमी से कम होती है। वहाँ पर की जाने वाली कृषि को हम शुष्क कृषि कहते हैं। इसके अंतर्गत तकनीकी में वाष्पीकरण, मतलब गहरी जुताई या वाष्पीकरण को कम करने के प्रयत्न के साथ साथ मिट्टी को नमी बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इसमें शुष्क कृषि मतलब मिट्टी की नमी बरकरार रहे। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत के 22 प्रसिद्ध भाग सम्मिलित है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत वर्षा जल संग्रह से वैज्ञानिक प्रबंधन से लेकर भूमि विकास, वृक्षारोपण, पशुधन आदि पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, यहां से कोई समस्या? अब आते हैं आद्र कृषि की बात करते हैं। कौन सी कृषि? आद्र कृषि की बात करते हैं। ठीक है, आद्र कृषि जो है आपकी, यह है पदवी देश के जलोढ़ मैदानी क्षेत्र भागों में अपनाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। ठीक, इसके बारे में विस्तृत जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अब आगे पढ़ लेते हैं लोग। बस इससे ज्यादा इसमें प्रश्न, मतलब इससे ज्यादा पढ़ने योग्य तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग, जहाँ तक हमें लगता है कि कुछ अगर पढ़ने योग्य तो हम लोग बता देते हैं। एक आता है बागवानी या रोपण कृषि, अगर बागवानी आता है, एक आता है टॉपिक आता है आपका बागवानी कृषि। कौन सा आता है? बागवानी, बागानी, बागाती, इसे कहते हैं बागानी, बागाती, बागाती कृषि, बागाती कृषि, रोपण कृषि भी से उपनाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार जो खेती होती है बागानों कृषि फार्मों पर की जाती है, जिसमें विशेष प्रकार की फसल एकल फसल उगाए जाते हैं। जैसे इसमें होता है रबड़, नारियल, काजू, चाय, कॉफ़ी, केला आदि का उत्पादन बागवानी या बागवाती फसलों के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा, इसमें जो विधि होती है उन्नत बीजों का, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार का बाग वाणिज्यिक कृषि कह सकते हैं इसे भी हम, और इसमें श्रमिकों का आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। बस ये ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। और एक आती है जैविक कृषि, वो आपको बता दें वो आपके लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है। जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, जैविक कृषि कि वो जब पढ़ रहे हैं तो भी बता दें। जैविक कृषि, ये जैविक कृषि, अगर जैविक कृषि को देखा जाए तो जैविक कृषि जो है खेती करने की ऐसी पद्धति है जिसमें जो कृषक होते हैं रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, जिसमें शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराइजा आदि का प्रयोग करते हैं। और अगर इसमें देखा जाए इसमें कीटनाशक खरपतवार के लिए बायो पेस्टिसाइड का, जैसे क्राइसोवा, क्राइसोपा का उपयोग किया जाता है। किसका? क्राइसोपा। इसमें गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी पोस्ट, हरी खाद, मिश्रित फसल, अन्य अवशिष्ट फसलों की सब्जियां आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशकों के अंधाधुंध असंतुलित प्रयोग से जो मनुष्य में, पशुओं में स्वाद के साथ ही
पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उस हिसाब से ये जैविक कृषि एक आधारभूत संरचना के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी है। और जैविक कृषि को बढ़ावा देना 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 से प्रारंभ की गई थी, ये भी आपको ध्यान देने योग्य है। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि सहकारिता विभाग जैविक कृषि समर्थन कर रहे हैं, अगर हम देखना चाहें एक लाइन में, अगर हम इसको अगर हम लोग पढ़ना चाहें, अगर यहाँ पे अगर जैविक कृषि को केंद्र में रख दें, जैविक कृषि अगर इसको हम केंद्र बिंदु में रख के इसका अध्ययन करना चाहें तो यहाँ हो जाएगा हरे पत्तों वाली खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक, जैविक खाद, पशुपालन, जैविक प्रबंधन, फसल का चक्रीकरण, जैविक प्रक्रिया का प्रयोग, सड़े गले फलों फसलों से उर्वरक का इस्तेमाल आदि जैविक कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और जल कृषि भी आती है, ये सभी आप समुद्र शैवाल सहकारी कृषि सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उतना पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस उतना नहीं है। संविदा कृषि आती है, शुष्क भूमि कृषि आती है, ट्रस्ट फार्मिंग आती है, मिश्रित कृषि होती है, अभी जान लीजिएगा जब एक ही स्थान पर, देखिए ये मिश्रित कृषि जान लीजिएगा, मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, अगर मिश्रित कृषि की बात करें तो एक ही स्थान पर फसल के उत्पादन क्रिया के साथ साथ पशुपालन की भी अगर जहां कार्य किया जाता है वहां पे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक, और अगर कोई समस्या हो तो हमसे पूछेंगे और आप कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिएगा। एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे आपसे, हम उम्मीद करते हैं इसका जवाब जरूर देंगे। धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहते हैं? धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कटोरा? धान का कटोरा, धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? और एक बात, और वीडियो को शेयर भी करिएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, पढ़ेंगी भी, इसी वीडियो में आगे पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं भाग के आप चले जाइएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है 6306344367 पे कॉल कर सकते हैं, अगर व्हाट्सएप करनी है तो 7355179012 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जैसे सर्च करेंगे इलेनी विद दुर्गेश ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमारा इलेनी विद दुर्गेश ज्वाइन करिएगा फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब जगह इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ऐप से या हमारे एप्लीकेशन इलेनी विद दुर्गेश इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर और इलेनी विद दुर्गेश आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ेगा, फेसबुक पेज भी हमारा इलेनी विद दुर्गेश है, वहाँ से भी जुड़ जाएगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको आप कई बार आपने नाम भी सुना होगा, जानते भी होंगे, इसका नाम है हरित क्रांति। ये नाम अपने आप में बड़ा खास है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन इसे कहते हैं, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं इसको जानते होंगे, ऐसा नहीं कि आप न जानते हों। तो हरित क्रांति जो है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, हरित क्रांति क्या है? ये हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक व सिंचाई के द्वारा नवीनीकरण उत्पादन से अधिकाधिक उपज जो होती है उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। इसे हम लोग देखें यहाँ पे भारत में कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए 1960-61 में 7 जिलों में नई कृषि तकनीकी की शुरुआत की गई थी, नई कृषि तकनीकी की शुरुआत की गई थी। इसके पश्चात उच्च उत्पादकता कृषि प्रोग्राम HYVP का मतलब हाई एलिडिंग वायरिटी प्रोग्राम के नाम से इसे पुकारा गया, और यह नई बीज उर्वरक व सिंचाई प्रोग्राम कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक, सर्वप्रथम 1966-67 की दशक में अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले 1966-67 की जो दशक में ये हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मतलब पश्चिमी भारत से इसका प्रारंभ शुरू किया गया, जिसमें आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, और इसीलिए हरित क्रांति का सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग था वो अमेरिका। अगर ये पूछा जाए कि हरित क्रांति, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कुछ चीज़ें, देखिए जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे अगर यहाँ देखिए हरित क्रांति शब्द का अगर प्रयोग पूछ लिया जाए तो सर्वप्रथम अमेरिका के
विलियम ने, विलियम गौड ने किया था। कौन किया था? विलियम गौड। देखिए आप लिख दे रहे हैं, विलियम सॉरी विलियम गौड़ ने क्या थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर विलियम गौड़। ये कहाँ के थे? यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे, ठीक, अमेरिका के थे। जबकि अगर हरित क्रांति विश्व में लाने का जो काम किया था वो नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। किसने किया था? अभी आगे पढ़ेंगे। नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। कौन किया था? आप जानते होंगे, नॉर्मन बोरलॉग ने किया था विश्व में। जबकि भारत में अगर देखा जाए तो इसके जो जनक हैं वो कौन थे? एस स्वामीनाथन थे। देखिए अभी इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर आगे एक एक कर। अगर देखा जाए, देखिए इसके अंतर्गत सर्वप्रथम गेहूं की नई किस्म लर मारोजो इंपॉर्टेंट है, लर मारोजो, सोनारा 64, कल्याणा आरबी 80 तथा धान की, ये गेहूं किस्म थी, धान की नई किस्म T1 TR8 T3 तथा ADT 70 प्रयोग की गई। इन अच्छे किस्मों के लिए नाइट्रोजन तथा फास्फोरस खादों के उत्पादन वृद्धि की गई, साथ ही नहरों तक कुओं में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की गई, जिससे उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि देखने को मिला। क्या देखने को मिला? अधिकाधिक वृद्धि देखने को मिला। अब कुछ चीजें देखिए देखने योग्य है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1966 में, उस समय खाद्य कृषि मंत्री कौन था? चिदंबरम सुब्रमण्यम, ये 1964-67 ये कृषि मंत्री थे। माने जिस समय हरित क्रांति भारत में आया उस समय देश प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कृषि मंत्री कौन था? चिदंबरम सुब्रमण्यम, 1964 के दशक में। योजना मंत्री अशोक मेहता। कृषि सचिव वी सी ब्रह्मन। कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एस स्वामीनाथन थे। ये भारत में था, ठीक है। और अच्छा एक बात हो जाती है, विश्व में लाने का काम नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, और हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के कारण इस कार्यक्रम को डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 1970 में अगर हम देखें तो नॉर्मन बोरलॉग जी को विश्व शांति का 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को विश्व शांति का क्या मिला? पुरस्कार। क्या मिला? पुरस्कार मिला था। और भारत में क्रांति का स्वामीनाथन कहा जाता है। अच्छा भारत में हरित क्रांति का जो जनक है, पिता है, वो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में क्रांति का जो पिता कौन कहलाता है? एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये हरित क्रांति का जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, वो लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ आगे भी प्रमुख। देखिए देख लेते पहले हरित क्रांति सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। गहन कृषि उत्पादन प्रणाली का विकास हुआ, खाद्यान्न में अधिक वृद्धि हुई, जीवन निर्वाह कृषि से व्यापारिक तथा बाजार उन्मुख कृषि का उत्पाद हुआ, उद्योगों में मजबूती मिली, ग्रामीणों से क्षेत्र में विकास हुआ। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा और एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नकारात्मक क्या हुआ? आय में असमानता वृद्धि हुई, क्योंकि बड़े किसानों में खेती, जिनके पास जमीन ज़्यादा थी, धनी थे, उनको ज़्यादा लाभ मिला। और हरित क्रांति में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तक ही सीमित रह गया, और नई मशीनों को इजाफा हुई, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लोगों चारों तरफ पलायन होने पर मजबूर हो गए, कि बेरोजगारी उत्पन्न हुई, नए नए यांत्रिकरण जब हुआ तो बेरोजगारी उत्पन्न हुई, अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान हुआ, रासायनिक खादों की वृद्धि से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि प्रदूषणों का योगदान रहा, ठीक है। और एक होता है एनपीके, एनपीके जानते रहेगा, एनपीके क्या होता है? नाइट्रोजन पोटास फॉस्फोरस, और इनका जो उत्पादन होता है धानी में 1:1 का होता है, जानते रहेगा नाइट्रोजन। अच्छा एनपीके के बारे में थोड़ा सा मैं बता दें आप लोग को, एनपीके एन पी के के साथ थोड़ा सा पेन एन पी के एनपीके क्या है? देखिए रासायनिक खेती में नाइट्रोजन फास्फोरस
और पोटेशियम के एक निश्चित मिश्रण का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है जो कि एनपीके के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, एनपीके का जो अनुपात अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है, किंतु हरित क्रांति के समय एनपीके का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया था और दलहनी फसलों के लिए 1:2:1 का इसका इस्तेमाल किया, 1:2:1 का अनुपात में किया गया था। अगर इसमें नाइट्रोजन एन की बात करें, जो नाइट्रोजन है ये फसलों में वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व है, यह फसलों में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि जो फॉस्फोरस वो पौधों में श्वसन प्रकाश संश्लेषण अन्य रासायनिक क्रिया हेतु आवश्यक है। कम अवधि वाली फसलों में घुलनशील फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगर पोटेशियम की बात करें तो फसलों में पोषक तत्व पानी के स्थानांतरण में सहायक होता है तथा फसलों में रोगों के प्रति प्रतिरोध को बढ़ाता है, ये उसके लिए योगदान प्रमुख देता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, हम आते हैं प्रमुख कृषि क्रांतियों को पढ़ लेते हैं। देखिए ये भी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए और वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू किया जाए कि नहीं शुरू किया जाए, अगर कोई समस्या बताएं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जो भी समस्या लगे, जहाँ भी आपको लगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि हम लोग आपकी समस्या का पूरा पूरा निराकरण करें। अगर यहाँ पे देखें हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीकी के सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से। इस क्रांति का श्रेय अमेरिका वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग भारत के एम एस स्वामीनाथन को जाता है। इनका पूरा नाम मोनकोबू शंबासिवन स्वामीनाथन है। अब आते हैं पीली क्रांति की बात करते हैं। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन क्षेत्र में अनुसंधान में विकास का संबंध है इससे। ठीक, अब अगला जो हमारा श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति क्या है? दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादक में बढ़ावा के कार्यक्रमों को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति की गति और तेज करने के उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड नामक योजना का प्रारंभ किया गया। किस नाम का? ऑपरेशन फ्लड नामक योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है, और इस क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। देश में श्वेत क्रांति का संबंध सहकारी स्तर पर चलाए गए दुग्ध व्यवसाय कार्यक्रम द्वारा दूध के उत्पादन में आपूर्ति में व्यापक वृद्धि करना है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति की जो प्रारंभ के सार्थक करने हेतु 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब आता है नीली क्रांति। देखिए नीली क्रांति का जो संबंध है, भारत में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए एक विशेष योजना नीली क्रांति के नाम से चलाई गई। यह दक्षिण भारत के विशेषकर आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा सफल हुई और मछली उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति को ही नील क्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस क्रांति के फलस्वरूप झींगा मछली के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में भारत के झींगा मछली में को राजधानी कहा जाता है। देखिए आंध्र प्रदेश का एक नेल्लोर जिला है। कौन सा जिला? नेल्लोर जिला। इसे झींगा मछली की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और आगे अगर हम लोग देखें तो फिर हमें ज्ञात होता है, तो हम लोगों ने देखा नहीं नीली क्रांति के बारे में कि नीली क्रांति क्या है, मछली उत्पादन में प्रगति के लिए नीली क्रांति। अब अधिक गुलाबी क्रांति की बात करते हैं कि मांस व्यापार के क्षेत्र में हुए प्रगति को गुलाबी क्रांति के रूप में जाना जाता है। किसके नाम में? गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब आते सुनहरी क्रांति की बात करते हैं। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति को सुनहरी क्रांति के रूप में जाना जाता है। मतलब अगर हम सुनहरी क्रांति की बात करें तो यह फल उत्पादन क्षेत्र में अधिकाधिक जो वृद्धि होती है इसे हम सुनहरी क्रांति के नाम से जानते हैं। और अगला जो होता है भूरी क्रांति, ये भी इम्पोर्टेंट है। गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन में हुई क्रांति को भूरी क्रांति के रूप में जाना जाता है। किस क्रांति के रूप में? भूरी क्रांति के रूप में
जाना जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो कुछ बचे हुए हैं उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। अमृत क्रांति, ये ध्यान दीजिएगा, नदियों को जोड़ने की योजना थी, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ना। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन हेतु। लाल क्रांति, टमाटर उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति, कृषि क्षेत्र में 4% विकास दर हेतु पूरी आपके लिए इंद्रधनुषी क्रांति है। इसके बाद और भी प्रमुख क्रांतियाँ जो उनको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद आगे हम लोग अध्ययन अध्यापन का काम करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं उन्हें जो है, और लिखाते हुए चलते हैं। चलिए एक बार ध्यान दीजिएगा आप सबसे पहले काम, आप ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए एक वेक्ट, उसके लिए आप 6306344367 और 7355179012 पे, इस पर व्हाट्सएप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, तथा टेलीग्राम इंस्टॉल करके सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। जैसे ही सर्च करेंगे इलेनिक दुर्गेश ज्वाइन करेंगे, इलेनिक दुर्गेश इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक, फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन करेगा फेसबुक पेज, और सभी को शेयर कर दीजिएगा। अब हम आते हैं अगर हरित क्रांति की बात करेंगे, तो जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का संबंध किससे है आप जानते हैं, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति कोको उत्पादन। रजत क्रांति, देखिए ये पूछने योग्य है, रजत क्रांति का संबंध किससे, अंडा उत्पादन या कुक्कुट पालन, अंडा या कुक्कुट पालन से है। अब पीली क्रांति तिलहन से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, तेल वाले से। लाल क्रांति, देखिए लाल क्रांति हम लोगों ने पढ़ा था, टमाटर से भी है मांस से भी है, लाल क्रांति का उत्पादन टमाटर से। गुलाबी क्रांति, देखिए दो है, गुलाबी क्रांति हम लोगों ने पढ़ा था, गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो किन किन चीज़ों से, एक बात जान लीजिएगा, गुलाबी है झींगा मछली, फिर प्याज औसत उत्पादन, इन सभी का प्रयोग गुलाबी क्रांति से है। और साथ ही साथ अगर सुनहरी क्रांति देखें, तो सुनहरी क्रांति भी हम लोगों ने देखा था फल उत्पादन, लेकिन शहद उत्पादन भी होता है। सुनहरी क्या है अब यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा हुआ था, ठीक। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, गोल क्रांति आलू, अगर गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति, जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के दृष्टिकोण से क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। कि रजत रेशा है, एक रजत रेशा की अगर बात करें तो कपास उत्पादन से किससे है, कपास उत्पादन, इसका संबंध किससे है, कपास उत्पादन से, किससे, कपास उत्पादन से, याद रखिएगा। एक सुनहरा रेशा, रजत रेशा सुनहरा रेशा, अगर सुनहरा रेशा की बात करते हैं, सुनहरा रेशा की अगर हम बात करते हैं तो इसका जूट उत्पादन से, किससे, जूट उत्पादन से। सेफ्रान क्रांति, केसर से, सेफ्रान क्रांति, अगर सेफ्रान क्रांति की बात करते हैं तो इससे है केसर से, किससे, केसर से। हरित सोना बांस उत्पादन, हरित सोना, हरित सोना बांस से, बंबू, इसे बंबू कहते हैं, ठीक है। मूक क्रांति, मूक, मूक क्रांति मोटे अनाज। इंद्रधनुषी क्रांति, सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि करना है, किसी क्षेत्र में 4% विकास दर, ये इस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को पढ़ते हैं, इसको शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा सभी को जितना ज़्यादा हो सके। ये बकरी पालन के बारे में बताते हैं, वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। बकरी उपयोगी, सॉरी, बकरी क्या है, उपयोगी पशु है, इससे दूध और मांस दोनों प्राप्त होते हैं। गुणवत्ता की दृष्टिकोण से बकरी दूध में सर्वोत्तम होती है, बकरी कम से कम व्यय कर पालन लाभ अर्जित किया जा सकता है, इसी कारण महात्मा गांधी ने बकरी को निर्धनों का गाय कहा था। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने बकरी को निर्धनों की गाय कहा था, ठीक। अब नस्ल और उस बकरी को पढ़ लेते जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ है पश्मीना, कश्मीर की कुल्लू घाटी में ऊन को मोहर कहा जाता है, ठीक, कुल्लू घाटी में ऊन को मोहरे कहा जाता है, क्या कहा जाता है ध्यान से देखिएगा, मोहर, और ये पश्मीना, ठीक, एक नस्ल है बकरी की। बरबारी या बड़बारी, ये दिल्ली हरियाणा क्षेत्र आगरा में पाई जाती है। फिर चंबा गद्दी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, इसे अंगोरा बकरी के रूप में जाना जाता है। जमुनापारी, इसकी क्या विशेषता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जमुनापारी किस लिए विख्यात है, जमुनापारी
और पश्मीना, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है इन दोनों बकरियों की। ये गंगा चंबल घाटी में, बीटल ये पंजाब में। ये हम लोगों ने आज कृषि संबंधित जितना भी था ये सारी चीज़ों को आज हम लोगों ने पढ़ लिया, और उम्मीद करते हैं ये आपके लिए परीक्षा दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। वैसे हम लोगों को तो पढ़ना था रेशम के बारे में पढ़ लेते हैं, कुक्कुट पालन क्या है, लेकिन ये सब पढ़ने के लिए आपके सिलेबस इतना नहीं है। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है कि जितना आपके सिलेबस में उसे पूरा पढ़ा दिया जाए। फिर भी यदि कोई छूट भी जाता है तो आगे हम वीडियो में कवर भी कर लेंगे। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, और ऑनलाइन क्लास के लिए आप ये जानते रहेगा, ऑनलाइन क्लास के लिए 6306314367 पर जुड़ जाइएगा। फेसबुक पेज, टेलीग्राम में जरूर इंस्टॉल करिएगा, उस पर सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा इलेनिक दुर्गेश के साथ। और जैसे जुड़ जाएंगे आप सभी को शेयर भी कर दीजिएगा इलेनिक दुर्गेश फेसबुक पेज, देख रहे हैं इलेनिक दुर्गेश फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और यूट्यूब, हर जगह आपको मिल जाएगा इलेनिक दुर्गेश, और प्ले स्टोर पर भी इलेनिक दुर्गेश के नाम से आपको हम उपलब्ध हो जाएंगे। देख साहब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे और हमारे एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे इलेनिक दुर्गेश नाम से है वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। हमने आपको लगभग आज की सभी चीज़ें पढ़ा दी जो आपको परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, वो सभी को हमने पढ़ा दिया।